गुड मॉर्निंग क्लास, आज का टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन हमने पढ़ा है, बोरॉन हमारा 13th ग्रुप का एलिमेंट होता है। बोरॉन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम बोरॉन फैमिली को लिखें तो बोरॉन फैमिली हमारा क्या आता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। हम सिर्फ इतने की ही स्टडी करते हैं, नीचे एक एलिमेंट और आता है जिसकी स्टडी हम नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं। बोरॉन क्या होता है? बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। अगर हम इसका कॉन्फिगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 और 2p1। आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये 3 ही बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सबसे अच्छे लुईस एसिड। क्योंकि इनके पास टोटल कितने बॉन्ड बनाएंगे? बोरॉन 3 बॉन्ड बनाते हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और ये लोन, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं इसलिए ये सबसे बेस्ट क्या होते हैं? लुईस एसिड। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिएक्शंस बताया था, प्रॉपर्टीज बताई थी, लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। तो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन क्या होते हैं? ऑर्थो बोरिक एसिड। बोरॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें से हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है ऑर्थो बोरिक एसिड। फॉर्मूला होता है H3BO3। ओके, मेटाबोरिक एसिड HBO2। टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, जिसको हम बोरेक्स भी बोलते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड को हम बोरिक एसिड भी बोल सकते हैं और इसको हम बोरेक्स बोलते हैं। अब आइए देखते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे हम बनाएंगे ऑर्थोबोरिक एसिड। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3। प्रिपरेशन सिंपल क्या करना है आपको? बोरॉन नाइट्राइड, जो बोरॉन होते हैं वो नाइट्राइड फॉर्म करते हैं, वो एयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाते हैं। तो अगर बोरॉन नाइट्राइड को हम लेते हैं और इसको हम वाटर में रिएक्शन कराते हैं बोरॉन नाइट्राइड का, तो हमें क्या मिल जाता है? ऑर्थोबोरिक एसिड, या फिर जिसको हम बोरिक एसिड बोलते हैं। और ये वाटर से रिएक्शन करके अमोनिया गैस क्या करती है? रिलीज करती है। नेक्स्ट है, हम क्या ले लें? हम ले लें टेट्राबोरिक एसिड या हम बोरेक्स ले लें। बोरेक्स को सिंपली क्या करना है आपको? कोई भी एसिड ले लो, H2SO4 ले लो या फिर HCl ले लो, आप उसमें जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा टेट्राबोरिक एसिड। ठीक है, अब इस टेट्राबोरिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड। ठीक है, तो हम टेट्राबोरिक एसिड, मतलब हम बोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड या बोरेक्स से भी हम क्या बना सकते हैं? बोरिक एसिड। तो पहले रिएक्शन हमने बताया, बोरॉन नाइट्राइड को वाटर से रिएक्शन करा दो तो बोरिक एसिड मिल जाएगा। दूसरी रिएक्शन हमने बताया कि जो हमारा सोडियम बोरेट होता है या सोडियम बोरेक्स होता है, उसको हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बन जाता है टेट्राबोरिक एसिड या हाइड्रोबोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद जब हम इसको H2BO4O7 को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें बोरिक एसिड मिल जाता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या होते हैं? व्हाइट कलर निडल शेप क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ये स्लाइटली सॉल्वेबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में ये बहुत ही कम क्या होते हैं? सॉल्वेबल होते हैं। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे मैंने बताया कि क्योंकि ये 3 ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेंगे? लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो ये क्या करेंगे? ये वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये जो वाटर क्या रिलीज करता है? OH- और H+। ठीक है, ये OH- होता है, ये क्या करता है? इसके साथ बाइंड हो जाता है और H+ को क्या करता है? रिलीज कर देता है। अब यहाँ बोरॉन के पास 4 बॉन्ड हो गए क्योंकि इसने OH- को एक्सेप्ट किया था, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आया है। तो ये क्या होते हैं? सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। फिर आता है इफेक्ट ऑन टेम्परेचर या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम बोरिक एसिड को गर्म करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है? तो बोरिक एसिड है, उसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें मेटाबोरेट मिलता है।
ठीक है। और इस मेटाबोरेट को जब हम 160 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो हमें टेट्राबोरेट मिलता है, और इस टेट्राबोरेट को जब हम रेड हॉट पे गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी होता है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो होता है ये लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो पहले हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, तो पहली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या था आपका, H3BO3। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बेटा बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। पहले हम एक बोरिक एसिड लेंगे, BO, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया, एक हाइड्रोजन नीचे हो गया। तीसरा जो ऑक्सीजन हमने लिया है, तो क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। ओके, ये हमारा होता है बोरिक एसिड का फॉर्मूला। एक सेकेंड, ये हमारा हो गया एक बोरिक एसिड। ऐसे भी क्या होते हैं, कई बोरिक एसिड को हम आपस में रख के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर। तो उसको कैसे बना सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, एक बोरिक एसिड यहाँ लेंगे, इसका ऑक्सीजन यहाँ और हाइड्रोजन को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। दूसरे बोरिक एसिड के लिए ऑक्सीजन को हम यहाँ और हाइड्रोजन को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका हाइड्रोजन यहाँ। एक बोरिक एसिड हम और लेते हैं, इस बोरिक एसिड का ऑक्सीजन यहाँ ड्रॉ करते हैं और हाइड्रोजन यहाँ ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ, इसका ऑक्सीजन यहाँ पे कर देते हैं और हाइड्रोजन को हम यहाँ। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अगर यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दें, यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दें और यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दें, ठीक है, तो ये क्या बना लेते हैं, ये होता है आपका बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। एक बोरा हम यहाँ विड्रॉ कर सकते हैं, एक बोरा हम यहाँ, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाएगा। ठीक, एक ऑक्सीजन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक ऑक्सीजन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा और ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके, तो ये जो होता है ये आपका बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ नहीं किया है, देखो एक बोरिक एसिड यहाँ पे है, एक बोरिक एसिड हम कहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे है। ठीक है, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक बोरिक एसिड को हमने यहाँ ड्रॉ किया है, और एक बोरिक एसिड हमने यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब हमारा ये जो बोरिक एसिड है, देखो कई ढेर सारे बोरिक एसिड को लेके हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसको क्या कर दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। क्योंकि ये लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको हम ग्रेफाइट भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी इसको हम बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, जैसे आपका कार्बन होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी देखो बेंजीन भी फॉर्म ही कर रहा है। और ये क्या होते हैं, ये लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत स्लिपरी होते हैं। इसका लेयर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आइए हम उसको देखते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक, क्योंकि ये प्लेन में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, हर जगह बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे sp2। अब
हम इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इसीलिए ये बहुत स्लिपरी होते हैं, मतलब सोपी टच होता है इसमें, ये जैसे स्लिप करते हैं। तो इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है वो हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड का लेयर्ड स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो यहाँ ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे लुब्रिकेंट होते हैं। लेयर लेयर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का हम लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करें। कुछ नहीं बेटा, ये बहुत सिंपल होता है। आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 सिक्स हेक्सागोनल डॉट्स को रखो और आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, एक ट्रायंगल आप यहां बना दो, एक बोरिक एसिड आप यहां पे बना दो, मतलब ये बोरॉन है, ये ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन को हम अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक बोरिक एसिड आप यहां बना दो, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, बीच में आपका क्या है, बोरॉन है, हाइड्रोजन अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। दूसरा बोरिक एसिड आप यहाँ पे उल्टे शेप में बना दो, एक बोरिक एसिड आप यहाँ पे उल्टे शेप में बना दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे बोरॉन है और बोरॉन में कौन सी जुड़ा, हाइड्रोजन भी ड्रॉ करते हैं, ओके। एक बोरिक एसिड आप यहाँ पे बना दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पे बोरॉन, ठीक है। और एक बोरिक एसिड आप ऊपर बना दो, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म कर रहे हैं उसी के बात करते हैं। होता क्या है बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हम एंटी क्रॉस जोड़ते हैं। जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसको हम क्या जोड़ते हैं, एंटी क्रॉस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ करते हैं और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो नीचे साइड में जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये तो हमने नीचे वाले हाइड्रोजन को ड्रॉ करते हैं अंदर साइड वाले, अगर हम आउटर साइड वाले हाइड्रोजन को ड्रॉ करें तो कुछ नहीं, इस हाइड्रोजन को यहाँ बनाओ, इस हाइड्रोजन को यहाँ बनाओ और ये जो आपका ये वाला हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को आप यहाँ बनाओ, ठीक। उसके बाद आपका कौन सा हाइड्रोजन होता है, इस वाले हाइड्रोजन को आप यहाँ बनाओ और इस वाले हाइड्रोजन को आप ऊपर साइड में बनाओ और इस वाले हाइड्रोजन को आप यहाँ, कुछ नहीं करना बेटा। ये ऑक्सीजन है इसके साथ इसकी बॉन्डिंग कर दो, ठीक, ये ऑक्सीजन है इसके साथ इसकी बॉन्डिंग कर दो, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ इसकी बॉन्डिंग कर दो, ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ इसकी बॉन्डिंग कर दो, इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन के साथ कर दो और इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन के साथ कर दो, ठीक है। तो ये इनर हो गया और आउटर में इस वाले के साथ इसकी बॉन्डिंग कर दो, आप ये कैसा देख रहे हो, ये आप एक लेयर स्ट्रक्चर देख रहे हो। अभी एक हाइड्रोजन हमें और ड्रॉ करना है, तो जितने हाइड्रोजन है इसको हम आउटसाइड में ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका हो गया लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। देखो लेयर बना रहे हैं ना, एक लेयर ये हो गया और एक लेयर ये हो गया, इसको हम बोलते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। क्योंकि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हमारा ग्रेफाइट होता है, पेंसिल होता है, पेंसिल को जब हम लिखते हैं तो वो कॉपी पे एक लेयर छोड़ता है, फिर हम लिखते हैं फिर दूसरी लेयर छोड़ता है, तो वैसे क्योंकि ग्रेफाइट भी क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और हेक्सागोनल बॉन्ड फॉर्म करता है, ऐसे ही हमारा ये जो
बोरिक एसिड होता है ये भी लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। थैंक यू।